Hey guys, welcome back to another fresh video. After a brief relaxation, I'm finally back with a new fresh vlog. अभी तो बज रहे हैं सुबह के 6:15 एंड आज का दिन अगेन एक ट्रैवल डे होने वाला है हम लोग के लिए, तो एक ये अगेन ट्रैवल ब्लॉग है। वैसे पता नहीं कुछ टाइप से लग रहा है कि मैं लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग से हट के, मतलब एक जनरल डेली ब्लॉग से हट के ट्रैवल ब्लॉग्स पे ज़्यादा आ चुका हूँ, स्पेसिफिकली ट्रेन ब्लॉग्स, क्योंकि ट्रेन से आना जाना सबसे ज़्यादा होता है। एनीवेज हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं ऑलमोस्ट 7:15 को शायद, हम लोग के पास लगभग एक घंटा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से जाएंगे दादर स्टेशन और फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, तो व्लॉग के एंड तक जरूर बने रहिएगा। व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, व्हाट इज अप, लेट्स व्लॉग इट अप। वैसे पर्टिकुलरली मेरे एरिया से पीछे थोड़ा सा संजय गांधी नेशनल पार्क एंड आरए कॉलोनी का भी थोड़ा सा एरिया आता है। सुबह सुबह व्यू तो काफ़ी अच्छा आता है, वैसे थोड़ा सा पिजन नेट ने थोड़ा सा व्यू डिस्टर्ब कर दिया। वैसे इस बार मैं एक चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ गाइस, इस बार जो बार्बर था उसने मेरे बाल को ज़्यादा अजीब से काट दिए और अब मेरी शक्ल एकदम एक अंडे जैसी दिख रही है। आई नो इट साउंड्स फनी बट अब इस तरह से काम चलाना पड़ेगा, कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। तो एनीवेज मैं जाके अभी रेडी होता हूँ, मैं आप लोग से मिलता हूँ जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे गोरेगांव स्टेशन के लिए। फिर वहाँ से हम लोग पहले दादर जाएंगे और फिर वहाँ से फिर एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ेंगे। तो तब तक के लिए सो गाइस, हम लोग अभी दादर से निकल चुके हैं। ट्रेन आई थी 9 o'clock, वैसे तो इसका टाइम 8:50 का था, 10 minutes लेट ठीक है उतना चलता है। तो हम लोग अभी जिस ट्रेन में हैं वो है 11:29 मुंबई टू कोल्हापुर कोयला एक्सप्रेस, बट हम लोग कोल्हापुर तक नहीं जा रहे हैं, हम लोग कंप्लीट जर्नी नहीं करने वाले, ऑफकोर्स बीच में हम लोग उतरने वाले हैं। कहाँ उतरेंगे ये आपको जब करूँगा तभी आपको बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी सरप्राइज होने वाला है आगे भी आप लोगों के लिए। तो हम लोग अभी चेयर कार में बैठे हुए, एसी चेयर कार काफ़ी बढ़िया, ज़्यादा भीड़ तो भी नहीं है, सही है। और इस बार मैं अपने पेरेंट्स का ट्रैवल कर रहा हूँ, वो भी मेरे साथ हैं और बल्कि आगे दूसरी सीट है तो वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैं इस जर्नी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड दो बात की लिए हूँ, पहला रीज़न ये क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाने वाला हूँ एंड दूसरा रीज़न ये क्योंकि रूट काफ़ी बढ़िया होने वाला है। ऑल्दो मानसून बीत चुका है बट हम लोग जो पहाड़ वाले एरिया से जाने वाले, पुणे के आसपास पूरे घाट सेक्शन है, तो वो सब देखने में काफ़ी मज़ा आएगा एंड उम्मीद है कि काफ़ी सारे वाटरफॉल्स भी हम लोग को मिल जाएँ, क्योंकि इस सीज़न में भी ये सेप्टेम्बर अक्टूबर के टाइम में भी सफिशेंट वाटर मिल जाता है। तो आगे देखते हैं जर्नी कैसी जाती है। आई होप सो आप लोग वीडियो के अंदर जरूर बने रहेंगे, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आने वाली है। इट्स 11:30, अब हम लोग पहुँच चुके लोनावला जंक्शन।
रूट बहुत बढ़िया था, पीछे जो टनल्स एंड ब्रिजेस थे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे। अभी हम लोग की ट्रेन यहाँ पे देख सकते हैं, जो इंजन है वो यहाँ से पास में ही है। हम लोग का जो कोच है C2 वो इंजन से थर्ड कोच है। जर्नी काफ़ी कमाल की रही है अभी तक। यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। पीछे जो बैंकर्स कर्जत में अटैच किए गए थे वो यहाँ पे डिटैच किए जाएंगे, क्योंकि बैंकर्स जो एक्स्ट्रा लोकोमोटिव होते हैं खाली एक्स्ट्रा पावर एंड एक्स्ट्रा ब्रेकिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि घाट सेक्शन में ज़रूरी था। अब उसका काम खत्म हो चुका है। आई होप आप लोग को पूरा नज़ारा काफ़ी पीछे मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा तो उसके लिए लाइक ज़रूर दीजिएगा एंड वीडियो भी और आगे बाकी है, क्योंकि हम लोग को अभी काफ़ी आगे तक जाना है। इसके बाद यहाँ पे पूना जंक्शन भी आएगा एंड उसके क्रॉस करके हम लोग को आगे जाना है। तो अभी काफ़ी जर्नी बाकी है और मज़ा भी काफ़ी आ रहा है। बढ़िया एकदम मौसम इतना बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं, धूप भी है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। और अब एग्जैक्टली 2 मिनट बाद हम लोग की ट्रेन डिपार्ट कर ले रही है लोनावला जंक्शन से। इसके बाद ज़्यादा पहाड़ी वाला पार्ट तो खत्म हो गया, जो पीछे आप लोग को दिखाया है काफ़ी मज़ेदार था। टनल ब्रिजेज और सबका कॉम्बिनेशन बिल्कुल पसंद आया होगा। अभी हो रहा है 12:56। अभी हम लोग पूछे हैं पुणे जंक्शन, पीछे देख सकते हैं, बाहर नहीं जा रहा क्योंकि अभी मेरा जस्ट लंच हुआ है, अभी हाथ हाथ धो के आया है, ज़्यादा बाहर जाने की इच्छा नहीं है। गर्मी भी हो गई यहाँ पे, तो आके पहाड़ वाला एरिया खत्म, जहाँ ठंडी थी। तो अभी तो ट्रेन से चल रही है, ऑलमोस्ट ऐसा हम लोग की 1.5 आवर की और जर्नी रह गई है। और हम लोग की जो डेस्टिनेशन है, क्योंकि मैंने तो बताई है ट्रेन कोल्हापुर तक जा रही है, लेकिन हम लोग जाएंगे खाली लोनन जंक्शन तक, जो कि पुणे के थोड़ा बाद ही आता है। ऑलमोस्ट वही बताया 1.5 आवर लगेगा लगभग, हम लोग लोनन जंक्शन उतरेंगे और वहाँ से फिर हम लोग के आगे का जो टूर है वो जाएगा महाबलेश्वर तक, क्योंकि महाबलेश्वर हम लोग आज नहीं जाने वाले। वो हम लोग का जो 3-4 दिन का पूरा ट्रिप है उसमें महाबलेश्वर इंक्लूडेड है, तो उसका भी ब्लॉग मिलने वाला है। उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं आई हूँ काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ, पहले कभी गया था अगर छोटे को तो पता नहीं मुझे, लेकिन अभी मैं काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते कैसे वहाँ का रहता है, खैर वो तो भी आगे वाले ब्लॉग में आएगा ही, आप लोग को भी मिलेगा ही। हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली हमारे डेस्टिनेशन लोनन जंक्शन। टाइम हो रहा है 2:50। अपने शेड्यूल्ड अराइवल से 30 मिनट लेट आई है ये ट्रेन। ये हम लोग का कोच था C2 चेयर कार। काफ़ी बढ़िया जर्नी थी, काफ़ी मज़ा आया। लास्ट के हाफ एन आवर में इतना ज़्यादा टर्निंग वाली ट्रैक्स थी, इतने सारे कर्व्स थे, वो आई होप आप लोग को भी मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत मज़ा आया। वेदर तो जैसे पहले मैंने बताया अच्छा है, कूल है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, जबकि अभी पीक दोपहर का टाइम है तो वेदर अच्छा है। और वो कर्व्स देख के बहुत मज़ा आया था। और मुझे तो भाई ये रूट काफ़ी पसंद आया, जैसे मैंने आप लोग को बताया था मैं इस रूट पे बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ ट्रेन से, वो भी व्हीकल से एक बार बाय रोड आया हूँ एक आध दो बार,
लेकिन वो उसको भी काफ़ी टाइम हो गया। तो ट्रेन से मुझे रूट बहुत पसंद है, टनल्स दिखे, ब्रिजेस दिखे, इतने बढ़िया बढ़िया कर्व्स दिखे, और क्या ही चाहिए भाई, बच्चे की जान लोगे क्या। ट्रेन का था सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट, तो ट्रेन तो निकल दी अपने आगे के डेस्टिनेशन के लिए जो कि इसका लास्ट है कोल्हापुर, वो पहुँचेगी शाम तक मेरे ख्याल से। और यहाँ से तो अब इसका हो गया डिपार्चर, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से हम लोग का क्या क्या आगे का रूट रहेगा वो तो मैं आप लोग को आगे बताऊँगा चल के। यहाँ ये वाला ब्लॉग यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। आई होप आपको पूरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही बढ़िया ब्लॉग्स देखने के लिए बेल आइकन भी दबाए रखिएगा। मिलते हैं ऐसे अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।